बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि डिसजंक्शन क्या होती है, इसको लिखा कैसे जाता है, हम इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिसजंक्शन होती क्या है। डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज रिटन एस। डिसजंक्शन में हमारे पास कम से कम दो स्टेटमेंट्स लाजमी होनी चाहिए, तो इसके बाद ही हम उन दो स्टेटमेंट्स की डिसजंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो होती है डिसजंक्शन दो स्टेटमेंट्स की, इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखा जाता है पी, ये एक साइन लगाकर क्यू, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ा जाता है रीड एज पी आर क्यू। ये जो हमने इसको बॉक्स में लिखा है स्टेटमेंट पी आर क्यू, इसको ऐसे पढ़ा जाता है पी आर क्यू। तो ये डिसजंक्शन हो गई। उसके बाद डिसजंक्शन फाइंड करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ बोथ स्टेटमेंट्स, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स पी और क्यू, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो गई, देन डिसजंक्शन डिसजंक्शन ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स आल्सो फॉल्स। अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स, ये पी एंड क्यू दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो गई, तो इनकी जो डिसजंक्शन होगी वो भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन। ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है इसका, सबसे पहले हम इधर एक बॉक्स बनाएंगे, तीन लाइन लगाएंगे इधर। सबसे पहले हम लिखेंगे पी, उसके बाद क्यू, और इसके बाद इसके हम डिसजंक्शन लिखेंगे। डिसजंक्शन कैसे लिखी जाती है, इसको हम लिखते हैं पी ऐसे एक साइन लगाकर और क्यू, ऐसे डिसजंक्शन फाइंड की जाती है। इसके बाद एयर और बॉक्स बनाएंगे। ये जो पी होता है इसमें सबसे पहले दो स्टेटमेंट्स ट्रू लिखी जाती हैं, उसके बाद दूसरी दो फॉल्स लिखी जाती हैं। क्यू में पहली जो स्टेटमेंट्स होती है इसको हम ट्रू लिखते हैं, दूसरी फॉल्स, फिर तीसरी को ट्रू, चौथी को फॉल्स। ये तो हमने हर टेबल में लाजमी लिखनी होती हैं। पी में पहली दो ट्रू, दूसरी फॉल्स, क्यू में पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, एक ऐसे लिखी जाती हैं। उसके बाद हम इसके अब डिसजंक्शन फाइंड करेंगे। अभी हमने इधर पढ़ा है इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो गई, देन डिसजंक्शन ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स आल्सो फॉल्स, तो फिर इनकी जो डिसजंक्शन होगी वो भी फॉल्स हो जाएगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टेबल में दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स कहाँ हैं। यहाँ शुरू में नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये लास्ट में दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो इसका मतलब ये पी एंड क्यू दोनों फॉल्स हैं, तो इनकी जो डिसजंक्शन होगी वो भी फॉल्स बन जाएगी। तो ये अभी पी एंड क्यू फॉल्स थे, दोनों फॉल्स थे, तो हमने इसकी डिसजंक्शन में भी फॉल्स लिख दिया। इसके अलावा और हर जगह पर हमने ट्रू लिख लेना है। इधर ये पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, इसका मतलब दोनों फॉल्स नहीं है, तो इसका आंसर इधर ट्रू आ जाएगा। इसी तरह ये इधर पी ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, इसका मतलब दोनों ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। सॉरी, इधर दोनों फॉल्स नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू आ गया। इसी तरह इधर हम शुरू में देखें, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसका मतलब ये दोनों तो ट्रू हैं, फॉल्स नहीं है, इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। डिसजंक्शन फाइंड करने के लिए आपने सिर्फ यही याद रखना है कि जहाँ पर दो स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी आपने उधर फॉल्स लिख देना, और हर जगह पर ट्रू लगा देना है। तो ये डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल था। तो ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा है कि जो डिसजंक्शन होती है ये क्या होती है, इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, और इसका जो ट्रुथ टेबल है ये ऐसे बनाया जाता है। और डिसजंक्शन फाइंड करने के लिए जहाँ दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, और हर जगह पर हमने ट्रू लिख देना है। तो ये आज का लेक्चर था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।